चलो अब आगे जानते हैं कॉर्फेटिन के बारे में। कॉर्फेटिन यह एक प्लांट बेस यूबिक्विटस फ्लेवोनाइड है। कॉर्फेटिन में तीन प्रकार के मुख्य गुण पाए जाते हैं और वह है एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक। इन्फ्लुएंजा ग्रुप के जितने भी वायरसेस होते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करने वाले जितने भी वायरसेस होते हैं उन सबको रोकने की क्षमता कॉर्फेटिन के अंदर पाई जाती है। इन्फ्लुएंजा ग्रुप के वायरसेस के सरफेस पर या बॉडी पर हीम एग्लूटोनिन मतलब HA नाम का एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है। इसे फ्यूजन पेप्टाइड भी बोलते हैं और यह फ्यूजन पेप्टाइड स्पाइक्स के रूप में होता है और इन्हीं स्पाइक्स के जरिए यह वायरसेस नॉर्मल सेल्स को चिपक जाते हैं और नॉर्मल सेल्स के अंदर इजीली प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में अपना प्रसार या फैलाव या मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, अपना रिप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। कॉर्फेटिन यह एक ऐसा प्रभावी तत्व है जो वायरसेस के HA फ्यूजन पेप्टाइड को बेअसर कर देता है, इनएक्टिव कर देता है और वायरसेस को सेल्स के अंदर प्रवेश करने से रोक देता है। कॉर्फेटिन इनहिबिट्स वायरस एंट्री इनटू द सेल्स। चलो अब आगे जानते हैं कॉर्फेटिन के अगले गुण के बारे में, मतलब एंटी हिस्टामिनिक गुण के बारे में या एंटी एलर्जिक गुण के बारे में। चलो अब आगे जानते हैं कॉर्फेटिन के अगले गुण एंटी हिस्टामिनिक के बारे में। इस गुण के कारण एलर्जी की जो समस्या होती है वह समस्या कम हो जाती है और फिर इसके कारण नोज, थ्रोट और लंग्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उससे जो सिक्रीशन होता है मतलब सर्दी और बलगम, उसके सिक्रीशन को यह कॉर्फेटिन कंट्रोल करता है। कॉर्फेटिन का तीसरा गुण होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इस गुण के कारण नोज, थ्रोट और लंग्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और उस पर जो सूजन आती है उस आने वाली सूजन को कॉर्फेटिन रोक देता है और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पर सूजन नहीं आती तो फिर इस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का सिक्रीशन भी मतलब बलगम का सिक्रीशन भी, कफ का सिक्रीशन भी रुक जाता है और फिर इस गुण के कारण लंग्स पर आने वाली सूजन को भी कॉर्फेटिन रोक देता है, इससे निमोनिया की शिकायत भी नहीं होती।